इस फॉर्म में नॉर्मल डेफिनेशन जो कि मैंने लिखी थी वही है, आप उसे चाहें तो नोट कर सकते हैं, और जो मैंने उसकी प्रॉपर्टीज बताई थी वो भी उतनी ही है, आप उसे नोट कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ओके, अब आइए इस पर क्वेश्चंस देखते हैं। चेक वेदर गिवन पॉलिनोमियल हुरविट्ज़ और नॉट, हमें चेक करना है कि हमारा पॉलिनोमियल हुरविट्ज़ है या नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम जो चेक करेंगे वो ये है कि हमारे सारे के सारे कॉफिशेंट क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये हमारा पॉलिनोमियल दिया है, इसमें ये कॉफिशेंट्स है, देखिए ये वन, सारे ऑल कॉफिशेंट्स आर पॉजिटिव एंड देयर इज नो मिसिंग टर्म। और यहाँ पे देखिए सारे के सारे टर्म इसमें प्रेजेंट है, जैसे कि पावर 4 से ये स्टार्ट हुआ है तो 4, 3, 2, 1, 0 एस की पावर सारी प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, यानी दो कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाइड होगी। अब जो हम चेक करेंगे वो ये कंडीशन है, हम इसमें कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन निकालेंगे। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे, इसको इवन और ऑड पॉलिनोमियल के सम में लिखेंगे, जिसमें हमारा इवन पॉलिनोमियल क्या क्या होगा, एस की मतलब इवन डिग्री वाला, इवन डिग्री वाले जितने टर्म होंगे उन्हें हम एक जगह लिखेंगे। तो एम ऑफ एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस की पावर 4, 2s स्क्वायर एंड 1। ओके, और ns क्या हो जाएगा, एस क्यू प्लस 4s। इसमें किसकी डिग्री ज्यादा है, जो इवन पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री ज्यादा है। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन ऑफ एक्सपेंशन में साई ऑफ एस इज इक्वल्स टू व्हाट, एम ऑफ एस डिवाइड बाई एन ऑफ एस। ओके, तो अब अगर हम एम ऑफ एस को एन ऑफ एस से डिवाइड करेंगे, देखिए ये हमारा एस पे 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 है, उसको हम एस पे क्यू प्लस 4s से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, एस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा आपको, जो रिमाइंडर आपका आया होगा, ओके, तो उस रिमाइंडर को आप फिर से इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, सॉरी इस रिमाइंडर से आप फिर से हमारे न्यूमरेटर को, सॉरी जो आपका डिनोमिनेटर था आप उसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो माइनस ये जो आपका था, वैसे तो हम यहीं पे कह सकते हैं कि आपका जो रिमाइंडर आया वो निगेटिव आ चुका है, तो ऑब्वियसली अब जो आपका क्वेश्चन आएगा वो निगेटिव होगा। ओके, तो अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक भी क्वेश्चन अगर निगेटिव हो जाता है तो हम ये कह देंगे कि ये हुरविट्ज़ नहीं है, हुरविट्ज़ की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। देखिये आपको प्रॉब्लम जो थोड़ी आ सकती है यही कंटिन्यूड फ्रैक्शन निकालने में आ सकती है। मैं फिर से बता देती हूँ कि आपको पहले क्या करना है, कि जिसकी डिग्री ज्यादा है के उसे न्यूमरेटर में लिखना है, और जिसकी डिग्री कम है उसे आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और आपको ये करना है कि आप इसे पहले नॉर्मल डिवाइड करेंगे, ये आपका डिनोमिनेटर है, ये आपका न्यूमरेटर है, ओके, आप इसे डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसे आप उस रिमाइंडर से आप फिर से इसे डिवाइड करेंगे। ओके, इसे मैंने यहाँ पे लिखा है एस क्यूब प्लस 4s को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इससे मैं डिवाइड करूंगी इस रिमाइंडर से, जो कि हमारा फिर से जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है माइनस एस बाई टू, ये निगेटिव आ गया। अब अगर हम अब हमारा क्या रिमाइंडर, ये अगर ये पॉजिटिव आता, सपोज करिए पॉजिटिव आता, तो हम क्या करते हैं, हम इसे माइनस 2s स्क्वायर प्लस 1 को फिर से यहाँ पे डिवाइड करते और फिर देखते कि हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है। ये तब तक हम करेंगे जब तक कि जीरो ना हो जाए, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन निगेटिव आ गया तो अब हम इस आगे प्रोसेस को नहीं करेंगे, क्योंकि अब उसका करने का कोई मतलब नहीं, भले ही आगे के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ जाए लेकिन ये क्वेश्चन निगेटिव हो गया तो हमारा ये पॉलिनोमियल हुरविट्ज़ नहीं है, ठीक, यानी हम कह देंगे पी ऑफ एस इज नॉट हुरविट्ज़। हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, जैसे कि हमारे ये क्वेश्चन दिया है। ओके, देखिए इसमें सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। ओके, सेकंड कंडीशन, दूसरा, हाँ एक और चीज देखिएगा कि इसमें कोई मिसिंग टर्म ना हो, तो 7 से स्टार्ट हुई है, इसमें सारी की सारी पावर प्रेजेंट है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओके, अब इसके बाद की कंडीशन क्या होती है कि पी ऑफ एस इज इक्वल्स टू, हम इसे ऑड और इवन में ब्रेक करेंगे, चूंकि ये पॉलिनोमियल सिर्फ ऑड या सिर्फ इवन नहीं है, तो हम इसे ऑड और इवन में के सम में से लिखेंगे। तो ये मैंने इवन पॉलिनोमियल के सम में इवन पॉलिनोमियल लिखा है, ये मैंने ऑड पॉलिनोमियल लिखा है। अब यहाँ पे देखिए ऑड पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा है, तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन निकालते वक्त हम ऑड पॉलिनोमियल को न्यूमरेटर में रखेंगे, जैसे ऑड को मैं जनरली एनएस से डिनोट कर रही हूँ और इवन को एमएस से। ओके, देखिए अब हम इसे डिवाइड करेंगे, एस की पावर 7 प्लस 2s 5 प्लस 4s क्यू प्लस 8s, इसे हम डिवाइड करेंगे इससे। जब इसे हमने डिवाइड किया
तो हमारा जो क्वेश्चन टाइप है वो एस बाई टू की रिमाइंडर आया इतना। देन फिर इस रिमाइंडर को रिमाइंडर से हम इसे डिवाइड करेंगे। ओके, अब ये हमारा यहाँ आ जाएगा और इसे हम डिवाइड करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन टाइप 4/3s। अब ये जो रिमाइंडर आया इससे हम इसे डिवाइड करेंगे। ये मैंने यहाँ लिखा 3/2s की पावर 5 प्लस 6s को मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, अब हम इस रिमाइंडर से इसे डिवाइड करेंगे। अब हमारा ये इतना आ गया आपका क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो यहाँ पे दो टर्म एक साथ कैंसिल आउट हो रहे हैं, मतलब जो हमारा लास्ट स्टेप है उसमें एक ही टर्म हमारा कैंसिल आउट होना चाहिए, मतलब एक बार में एक ही टर्म कैंसिल आउट होना चाहिए। यहाँ पे दो टर्म एक साथ कैंसिल आउट हो रहा है और तब ये स्टॉप हो रहा है। तो और दूसरा, आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि आपकी ये हाईएस्ट पावर क्या थी, एस की पावर 7 थी, तो हमें 7 क्वेश्चन मिलने चाहिए। ओके, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में फिर से आ जाते हैं, यहाँ पे एस की पावर हाईएस्ट क्या थी, डिग्री 4 थी, तो यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन टर्म मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमने नहीं चेक किया क्योंकि हमें जरूरत नहीं थी चेक करने की, यहीं पे नेगेटिव आ गया था। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपके 4 क्वेश्चन टर्म आने चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कितने क्वेश्चन टर्म मिलने चाहिए थे, 7, और हमें मिले कितने हैं, 1, 2, 3, तो बाकी कितने हैं, 4। जो बाकी के 4 होंगे वो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये रिमाइंडर आया था जहां से ये एब्रप्ट पूरा टर्मिनेट हो गया है, ओके, दो टर्म यहाँ पे एक साथ टर्मिनेट हो गए, तो हम क्या करेंगे, बाकी के जो कोफिशिएंट होंगे हमें यहां से मिलेंगे एस की पावर 4 वाले टर्म से। तो अब हम इसे चेक करेंगे हुरविज है या नहीं है। ओके, नाउ चेक एस की पावर 4+4 इज हुरविज और नॉट। अगर ये हुरविज हो गया तो मतलब ये हुआ कि बाकी के 4 कोफिशिएंट जो होंगे हमारे वो भी पॉजिटिव होंगे, तो उसी तरह हम इसे भी चेक करेंगे। ठीक है, तो इसे आप चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। ठीक है, कोफिशिएंट तो पॉजिटिव, लेकिन अब जब आप देखेंगे कि मिसिंग टर्म, तो यहाँ पे देखिए एस की पावर 4 तो है, ठीक है, टर्म मिसिंग है, और जो टर्म मिसिंग है उनमें ऑड भी आ रहा है, इवन भी आ रहा है, मतलब ये ना तो पॉलीनोमियल ऑड बन पा रहा है, ना तो इवन बन पा रहा है, और ना ही इसमें पूरे टर्म प्रेजेंट है। तो ये हुरविज की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो हमारा होगा हुरविज नहीं है। और अगर ये हुरविज नहीं है, इसका मतलब कि हमारा जो ओवरऑल पॉलीनोमियल है वो हुरविज नहीं होगा। ओके, हम इसको इस प्रॉपर्टी से भी देख सकते हैं कि अगर ये एस की पावर 4+4 की इस पॉलीनोमियल का फैक्टर हो, तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि P of S is Hurwitz when P1 of S into W of S is Hurwitz. तो अगर हमारा W of S Hurwitz, ये P1 of S Hurwitz है, ओके, लेकिन अगर ये Hurwitz नहीं है तो ये भी Hurwitz नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये Hurwitz नहीं है तो ये भी Hurwitz नहीं होगा। और इसकी जगह पे आप इसे रख लीजिए S की पावर 4+4। वही मैं कह रही हूं कि ये जो पॉलीनोमियल जो आया है हमारा, ये जो हमारा ओवरऑल पॉलीनोमियल है P of S, इसका एक फैक्टर है। कैसे फैक्टर है, देखिए ये इसका फैक्टर है, S की पावर 4+4 इस पॉलीनोमियल का फैक्टर होगा S की पावर 5 वाले का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट टर्मिनेट हो रहा है, और आपको पता है S, ये इसका फैक्टर है, ठीक है, और ये पॉलीनोमियल इसका फैक्टर है, ये ओवरऑल इसका फैक्टर है, और जो हमारा P of S है इन दोनों का सम है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला पॉलीनोमियल हमारा जो ओवरऑल पॉलीनोमियल है P of S, जो कि इन दोनों पॉलीनोमियल का सम है, उसका फैक्टर है। और अगर इसका कोई मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर अगर वो हुरविज नहीं है, तो ओवरऑल पॉलीनोमियल हुरविज नहीं होगा। ऑल कोफिशिएंट पॉजिटिव बट द टर्म आर मिसिंग हैंड, ये ऑल कोफिशिएंट पॉजिटिव बट द टर्म आर मिसिंग, हेंस P1 ऑफ S इज नॉट हुरविज, एंड बिकॉज ऑफ P1 ऑफ S इज अ फैक्टर ऑफ P of S। ओके, कि अगर P1 ऑफ S जो है हमारे, P1 ऑफ S इसे मैं कह रही हूँ P1 ऑफ S ये, और P of S ये है, ओके, ये पॉलीनोमियल आपका P of S है। P1 ऑफ S इज अ फैक्टर ऑफ P of S, सो P of S इज नॉट ऑल्सो हुरविज पॉलीनोमियल, क्योंकि P1 of S हुरविज नहीं है, तो P of S भी हुरविज नहीं होगा। ठीक है,
ये हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। P of S is equals to S by Q plus 2S। यहाँ पे हमारे सारे जो कॉफिशेंट है वो पॉजिटिव है, ओके। यहाँ पे टर्म मिसिंग है, लेकिन आप देखिए अगर 3 की पावर से हम स्टार्ट करते हैं तो S की पावर 2 यहाँ पे मिसिंग है और S की पावर 0 मिसिंग है, जो कि दोनों ही क्या है, इवन है। और ये जो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, ये ऑड पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये हर्विट्ज तो है, ठीक है, मतलब दो कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है। अब हम इसकी थर्ड कंडीशन को चेक करेंगे, जो कि होती है हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन फाइंड करना। और मैंने बताया था कि अगर हमारा पॉलिनोमियल सिर्फ ऑड या फिर सिर्फ इवन होता है तो हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इसके डिफ्रेंशिएशन से इसे डिवाइड करेंगे। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा उसे हम पी डैश एस से शो कर रहे हैं, 3s² + 2 डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस। तो अब जो हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन आएगा, जो हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन होगा वो होगा साई ऑफ एस इज इक्वल्स टू पी ऑफ एस प्लस पी डैश ऑफ एस, एस पे क्यू प्लस टू एस डिवाइड बाई 3s² + 2। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एस की जो हाईएस्ट पावर है क्या है, 3। इसका मतलब हमें यहाँ पे 3 कॉफिशेंट मिलने चाहिए, हमें यहाँ पे 3 कॉफिशेंट मिले भी हैं, 3 क्वेश्चन टर्म मिलने चाहिए और 3 क्वेश्चन टर्म हमें मिले भी हैं, ओके। तो हम इससे जब डिवाइड करेंगे 3s² + 2 से, तो यहाँ पे एस बाई 3 आ जाएगा, ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एस क्यूब, ये हो जाएगा 2/3s। ये हमारा रिमाइंडर आया और रिमाइंडर से फिर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 9/4s आ गया, फिर रिमाइंडर आया, फिर रिमाइंडर से हम इसे डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो इतना आया। और हमारे फॉर लास्ट में देखिए यहाँ पे एक ही टर्म, एस की सिर्फ एक पावर ही टर्मिनेट हो रही है, जबकि लास्ट वाले क्वेश्चन में 2 पावर टर्मिनेट हुई थी, तो हमें फिर से इसे चेक करना पड़ा था। वैसे भी हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे 3 हाईएस्ट डिग्री 3 थी और हमें 3 क्वेश्चन टर्म मिल चुके हैं, जबकि वहां पे हमें 3 क्वेश्चन टर्म नहीं मिले थे। यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन टर्म मिल चुके हैं, ये सारे ही पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑल क्वेश्चन टर्म आर पॉजिटिव, हेंस पीएस इज हुरविट्ज़ पॉलीनोमियल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हुरविट्ज़ पॉलीनोमियल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब, सो दैट कि मैं और वीडियो डाल सकूं। और मुझे अगर मेरे वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू।